तकी साहब, एक बात देश में सब लोग जानना चाह रहे कि इतना मीठा था, बिल्कुल गुडी गुडी था मामला, भाई राज्यसभा ही भेजे, जब राज्यसभा भेजा तब भी कुछ लोगों ने दबी जुबान से कुछ आपत्तियां की, लेकिन अरविंद जी ने भेजा, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों मारपीट क्यों, स्वाति मालीवाल को मारा क्यों गया, और जिस जंगजू ने मारा उसको आज आप बैठाल के लखनऊ ले आए, नहीं उससे यही कह देते भाई तू 10-5 दिन घर ही रह ले चुपचाप खिड़की बंद करके, नहीं बोले ना मूछों पे नूरानी तेल लगाओ और लखनऊ चलो मेरे साथ, देखे कौन माई का लाल रोकता है। ये जो भाव है स्वाति मालीवाल के दिल पे क्या बीता होगा जब उनने फोटो देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल की बगल में आदरणीय विभव जी लखनऊ में अवतरित हो गए हैं संविधान बचाने के लिए। तकी जी देखिए, भारतीय पार्टी ने हमेशा दूसरे के चूल्हे से आग जला की खिचड़ी पकाई है, वो हमेशा आग लगाने में एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा, वो चाहते कहीं ना कुछ ऐसा निकल आए इस पे आग जले उनकी खिचड़ी पक पाए, वो कुछ भी नहीं पकने वाली नहीं है। स्वाति मालीवाल की एक ट्वीट, एक फेसबुक पे उनकी प्रतिक्रिया, एक बयान दिखा दिए मुझे जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही हो, अगर स्वाति मालीवाल कुछ ऐसा होता अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती, कुछ बोल चुकी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं हुई, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि विभव ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हमारी साथी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, ये तो संजय सिंह ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप करे गलतफहमी हुई और क्या, गिरा गिरा मारोगे लातों से और क्या करोगे, थप्पड़ सप्पड़ तो मार ही लिए। आप कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पलट के दो रहपटे स्वाति ने भी जड़ दिए थे किसी के जो वहां था ड्राइंग रूम में, अब मुझे नहीं पता किसने किसके मारे, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है। तो ये जो WWF हुआ, रेसलिंग हुई, इसको संजय सिंह जी ओन कर चुके हैं ताकि भाई अभी जेल से जो है उसको बेल के लिए बाहर आए 20 दिन के लिए, उसका एक एक समय एक एक वक्त बहुत कीमती है, बहुत से लोगों से मिलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने अपॉइंटमेंट की वजह से ना मिल पा रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, सब आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ सकती है और बीजेपी से कुछ भी किया जा सकता है, ये इन्होंने ये तरह की तत्परता जब दिखाई, जब बड़ीपुर में औरतों को नंग निकल के घुमाया जा रहा था, जब महिलाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब प्रदर्शन कर रही थी स्वाति मालीवाल प्रदर्शन कर रही थी, उनको घसीटा गया, सड़क पर उनको मारा गया, तब ये बीजेपी की तत्परता नहीं दिखाई, और जो जिम्मेदारी के तौर पर देकर उनको बचाने की कोशिश की, बीजेपी किस मुंह से महिला सम्मान की बात करती है, महिला इनको शर्म आनी चाहिए, और ये हमेशा इनको तकी साहब एक मिनट बाबू एक मिनट, मान लो इनको शर्म आ जाए तो मालीवाल को गिरा के मारना जस्टिफाई हो जाएगा, किसी बात कर रहे हो मोदी जी, मैंने विनम्र सवाल पूछा कि मालीवाल को क्यों मारा, नहीं मारा कुछ नहीं हुआ मोदी जी, संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे, संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे, देश का 95% संसाधन अदानी अंबानी को सौंप किया जाए, वो फंस रहे थे, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था, भैया अरे तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, अडानी अंबानी कुलदीप सेंगर आदि 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 सबको इकट्ठा एक सांस में बोल जाओ तब भी ये सवाल जिंदा है कि स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा क्यों ड्राइंग रूम में, स्वाति मालीवाल ये जवाब नहीं दे रहे, दुनिया की कहानी बता रहे हो हमको कि दिस हुआ, तो ना भैया रुक जाओ एक मिनट एक बात मैं कह दूं अपनी समझ से, तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, एक बात मैं अपनी समझ से कह देता हूं, जानकारी नहीं मेरी बुद्धि कहती है, अशोक भाई आने वाले दिनों के भीतर दो में एक कोई विस्फोट करेगा क्या, तकी साहब सुन लो,
लिख लेना कागज पे, झूठो तो हमको टेलीफोन करना। आने वाले कुछ दिनों, समय नहीं बताऊं, कुछ दिनों के भीतर चुनाव के दौरान ही कोई एक विस्फोट करेगा, या तो मालीवाल करेगी या विभव करेगा। क्या इधर कुआं उधर खाई, समझ गए ना भैया? धीरे धीरे चलो मालिक, हम बता दिए, या तो विभव या मालीवाल, बस लिख लो। अब भाई मत पढ़ो, लिख लो। खैर अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, ये मालीवाल का मसला इनके लिए था, आप छोड़ दो, अब उत्तर प्रदेश में विषय अलग है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये 79 सीटों का फंडा क्या है। कई लोगों ने पूछा कि भैया ये थोड़ा ज्यादा हो गया 79, नहीं जो अखिलेश जी ने कहा, अशोक जी बताऊं मैं जी कैसा है, क्योंकि अमिताभ जी इसमें आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल में जब देखे हुए कि बॉलर जब पिटता है तो वो जो है कभी बाउंसर मारेगा, कभी नो बॉल मारेगा, कभी वाइड फेंकेगा, कभी डॉट बॉल फेंकेगा, तो कमोबेश यही स्थिति, बौखलाहट की स्थिति माननीय मोदी जी की है। इसी बौखलाहट में कभी वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति को माइनॉरिटी बांट दिया जाएगा, कभी वो कुछ, तो यही एक आप कर सकते हैं थर्मामीटर है नापने का, ये उनकी हार के नापने का थर्मामीटर है और उनकी बौखलाहट का भी थर्मामीटर है। इस तरह के जो उनके बयानात आ रहे हैं, ये बयानात ही साबित कर रहे हैं यूपी में 80 हराओ पेपर लीक से छुटकारा पा जाओ, यूपी में 80 हराओ अग्निवीर से छुटकारा पा जाओ, यूपी में 80 हराओ किसानों के उत्पीड़न से छुटकारा पा जाओ। देखिए ये हम भले कर रहे हैं, लेकिन ये जो जवान है, ये जो संवेदना है अमिताभ जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता की संवेदना को माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, कि जनता कह रही है। आप देखिए रिसेंट जो एग्जांपल हुआ, 60 लाख हमारे अभ्यर्थियों का करियर उन्होंने चौपट कर दिया, वो तो ओवरेज हो गए बेचारे। तो ये सारी जो स्थितियां बन रही है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाले अलग चिल्ला रहे हैं बेचारे, आज तक आरक्षण का उनका जो न्याय नहीं हो सका, तो जो स्थितियां बन रही हैं अमिताभ जी, ये स्थितियां बता रही हैं कि बड़े मुश्किल से क्योटो उनका बच जाए। हालांकि क्योटो तो नहीं बन पाया, माँ गंगा भी नहीं साफ हुई, लेकिन हम मान लेते हैं क्योटो, तो अगर क्योटो बच जाए ये बहुत बड़ी बात। आप कहेंगे कि हाइपरबोलिक बात मैं कर रहा हूँ, देखिए हाइपरबोलिक राजनीति में कुछ नहीं होता है। हम तो हमारे दो यही लोग कहते थे भाजपा को, आज भाजपा अपने चरम पे चल रही थी, तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक अशोक जी, ठीक आप मुझसे ज्यादा अनुभव हैं। ठीक ठीक है बाबू भाई, बिल्कुल अचानक कुछ नहीं होता, जिनको मोतियाबिंद हो उनकी बात हम नहीं कहते, लेकिन दिखाई देता है। क्या बोलने की मर्यादा है, क्योंकि मैं इस मंच पर बैठा हूं, इसलिए मैं 4 जून तक नहीं कहूंगा कौन सरकार बना रहा है, लेकिन इतनी समझ है हमको भाई साहब। और अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब मुलायम सिंह की सरकार को हराकर मायावती ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई अपने बहुमत की, तो मैं उस वक्त दैनिक भास्कर अखबार में था, उसके नेशनल ब्यूरो को देख रहा था। मैं 4,000-5,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमा अकेले गाड़ी से, क्या रैली में नहीं गया कहीं, गांव देहात कस्बा हाट बाजार तहसील, आकर मैंने खबर लिखी कि बसपा ठीक ठाक बहुमत से सरकार बनाएगी, तो हमारे अखबार के जो बड़े लोग थे उनको भी बात उस वक्त हजम नहीं हुई, बोले सर्वे ये कह रहा, दिस ये कह रहा, देट। इसलिए ऐसा भी मत कहिए कि कोई जिन्नात का खेल है ये, अचानक से बोतल से जिन्न, ना 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 ना, जमीन पर दिखता है कौन कहां खड़ा है मित्र। और एक बात हमारे अशोक जी ने कही कि भाषण, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश जी के 79 जीतने के दावे के पीछे उन्होंने मोदी जी के भाषणों को कहा कि उनके भाषण बता रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। मैं अखिलेश जी से कहूंगा 19 के भाषण निकाल के देख लीजिए मोदी जी के, क्या ऐसे ही थे? तब भी आप यही कह रहे थे कि मोदी जी के भाषण बता रहे हैं कि ये जा रहे हैं, क्या वो 303 लेके आए? भाषण ऐसे ही थे अशोक जी, क्योंकि हम लोगों को तो काम ही है भाषण सुनना और याद करना और बनाना, ये मसला। खैर ऋचा जी, समाजवादी पार्टी ने कहा, कह रही है कि भाई भाजपा के फेयरवेल का टाइम आ गया, विदाई की तैयारी करो,
आप नारा लगा रहे हो कि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, और सपाई कह रहे हैं कि फेयरवेल की करो तैयारी जा रहे हैं भगवाधारी। देखिए राज तिलक की तैयारी तो देश की जनता ने करनी है और मोदी जी का राज तिलक होने जा रहा है, ये तय बात है। लेकिन जो बात कह रहे थे अशोक यादव की, अगर उस वहां से शुरू करें तो ये गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलने वाले अंतरराष्ट्रीय मैच की कमेंट्री करना चाह रहे हैं। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अखिलेश यादव जो 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बताते हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होने वाले, सब छमाही प्रधानमंत्री बनाने का सपना देते हैं। दूसरा जवाब एक महत्वपूर्ण मैं देना चाहती हूँ, ये मोहम्मद तकी जकी साहब जो भी हैं, जो सिंबल दे रहे थे तो उनको टोकना बहुत जरूरी है। जो सिंबल आप दे रहे थे ना तकी साहब, इसका तो पूरा देश और दुनिया सम्मान करता है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों ने लोकतंत्र में एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ किया है, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इस पे केजरीवाल की जो जिसको कहा जाए, मैं मेरे पास शब्द नहीं है उनकी इस हरकत से, कि ये तो हर हो गई कि संजय सिंह खुद भी कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, और उसके बाद केजरीवाल आरोपी को अपने साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। आप इस देश की आधी आबादी का मखौल बनाना चाहते हैं, आप इस देश के लोकतंत्र को अनुभव दिखाना चाहते हैं, जनता को जवाब दीजिए, देश में महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को लोकतंत्र माफ नहीं करता। आप कुछ सही साहब, आप बता रही हूँ आपको, आप अच्छा हो दिल्ली नगर के, अगर आप उत्तर प्रदेश के होते तो केजरीवाल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम नहीं पाते, भारतीय जनता पार्टी बजाती है भाई।